बढ़ती महंगाई और लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर तराना के कायथा विधानसभा में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की आवाज को बुलंद किया। कमलनाथ, महेश परमार, जिंदाबाद जिंदाबाद, महेश परमार, जिंदाबाद जिंदाबाद। कार्यकर्ताओं ने कायथा थाने के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाते हुए महामहिम राष्ट्रपति के नाम राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। महंगाई बढ़ रही है, जिसके कारण आम जन के ऊपर आर्थिक मार पड़ने के कारण उनको परिवार के पालन पोषण जीवन यापन करने में मुश्किल हो रही है। इस परिस्थिति में मूल्य वृद्धि करना जनहित में नहीं है। देखिए, जैसा आप सब लोगों को विदित है, केंद्र में बैठी तानाशाही मोदी सरकार जिस प्रकार से आए दिन डीजल, पेट्रोल एवं रसोई गैस के भावों में वृद्धि कर रही है, जिससे सीधा सीधा असर हमारे किसान साथियों पर, आम जन पर, मजदूर वर्ग पर एवं युवा साथी पर हो रहा है। कोरोना काल में वैसे ही नौकरियां नहीं है, युवा साथी बेरोजगार होकर घर बैठा हुआ है और ऐसे में मूल्य वृद्धि करना ठीक नहीं है। इसके विरोध में आज हमने यूथ कांग्रेस के माध्यम से विधानसभा के हमारे कायथा ब्लॉक में सभी वरिष्ठ नेताओं, युवा साथियों के साथ यहाँ पर ज्ञापन पेश किया है। ज्ञापन में मांग की है हमने कि जल्द से जल्द ये बढ़े हुए डीजल पेट्रोल के जो भाव हैं और रसोई गैस के जो मूल्य बढ़े हुए हैं, इनको जल्द से जल्द कम किया जाए, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ पर इनके भाव कम हैं और ये हमारे देश में जो तानाशाही मोदी सरकार जो बैठी हुई है, ये अपने उद्योगपति मित्रों की जेब भरने के लिए इनका भाव बढ़ाकर हम लोगों की, आम जन को परेशान करने, उनकी कमर तोड़ने का कार्य कर रही है। इसके माध्यम से यूथ कांग्रेस ने आज ज्ञापन प्रेषित किया है और ज्ञापन के माध्यम से ये मूल्य वृद्धि को रोकने का और कम करने का ज्ञापन प्रेषित किया है। JSR टाइम्स के लिए तराना से सैयद नियामत अली की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।